हेलो एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रॉज अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड आई प्रज्ञा पांडे वेलकम यू ऑल टू आर वेरी स्पेशल सीरीज ऑन डेली न्यूज़ रिव्यू बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डार्क पैटर्न सेल्स और साइबर क्राइम के बारे में नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट दी विक्रम जनरेटेड हालो ऑन लैंडिंग ऑन मून नेक्स्ट हम बात करेंगे मिजोरम की हाइएस्ट रेट ऑफ कैंसर इन इंडिया नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दी अपार जो कि एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिवर्सल आई सिस्टम के रूप में काम करेगा साथ ही हम बात करेंगे पंजाब में होने वाले फार्म फायर को लेकर एंड लार्स्टली विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिया कतर एंड नेचुरल दैचुरल सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट सी वॉट इज इन द न्यूज देखिए सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में जिसे हम यूजुअली एक डार्क पैटर्न बोलते हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्स देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर एक लो कॉस्ट कैरियर के लिए डिमांड किया है यूजुअली जब भी आप अपनी फ्लाइट बुक करते हैं आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे अननेसेसरी अनटेंडेड मैसेजेज या मेल आपको आते हैं लाइक सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू बुक अप पर्टिकुलर सीट यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा चार चार्जेस राइट तो इसे ही हम एक तरीके से डार्क प्रैक्टिस बोल रहे हैं कि एक कंज्यूमर जो कि पर्टिकुलर चीज़ नहीं खरीदना चाहता या उसकी इंटेंशन नहीं है उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा फील करवाया जाएगा सो दैट दे विल यू नो फोर्सफुली दे विल परचेज समथिंग फ़ॉर एक्जाम्पल इंडिगो की एक वेबसाइट पे दे यूज फॉल्स अर्जेंसी टू प्रेशर कंज्यूमर कि भाई आप एक्स्ट्रा नाइन्टी नाइन पे करिए फाइव फिफ्टीन हंड्रेड पे करिए अगर आपको सीट बुक करनी है अदरवाइज वो अनअवेलेबल हो जाएगी नॉट अलोन इंडिगो इसके अलावा स्पाइस जेट की बात करें तो यहाँ पर भी डिसेप्टिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है पैसेंजर्स को यू नो फोर्स करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको यूजुअली एक मैसेज आता है कि आप अपना इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं तो उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा कि आई विल रिस्क माय ट्रिप तो ये एक तरीके का फियर क्रिएट करना है एक व्यक्ति के अंदर ताकि वो अननेसेसरी इंश्योरेंस को यहाँ पर परचेज करे सेम गोज विद दी मेक माई ट्रिप एंड अदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हु आर डूइंग ऑल दिस थिंग और इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर बोला है कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें खत्म करना होगा दीज आर नॉट गुड हमें समझना है कि आखिर ये डार्क पैटर्न होता क्या है देखिए डार्क पैटर्न की जब हम बात करें तो एक अनएथिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट किया जाता है एक अनइंटेंशनल और एक अनडिमांडेड इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है इस तरीके का फियर किया, किया जाता है क्रिएट किया जाता है कंज्यूमर के माइंड में सो so दैट वो पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर ख़रीद लें ओके okay. जैसा मैंने आपको बताया कि भाई टिकट ख़त्म होने वाले हैं अब आप एक्स्ट्रा पे करिए ये करिए वो करिए ये सारी चीज़ें डार्क पैटर्न के अंदर ही शामिल होती हैं दैट मींस ऐसे यूज़र्स जो पर्टिकुलरली इंटेंडेड नहीं है कोई चीज़ खरीदने के स्टिल उसको ख़रीदना चाहें इसी को हम बात करते हैं डार्क पैटर्न यूजअली ये जो टर्म है इसे इस का चलन होना शुरू हुआ था 2010 में इसे टर्म को क्वाइन किया था हैरी ब्रिगनल ने एक जिन्होंने यू एक्स डिज़ाइनर एक्सपीरियंस है उस उन्होंने इस चीज़ को फेस किया ये जो पैटर्नस होते हैं ये एक्सप्लॉयटिव होते हैं नेचर में कैसा एक्सप्लोइटेशन क्या आपको फिजिकली अब यूज़ करते हैं जी नहीं कॉग्नेटिव बायसनेस शो करते हैं एम्प्लॉय की टैक्टिक्स होती हैं लाइक फोर्स अर्जेंसी क्रिएट करना फोर्स एक्शन की तरफ दिखाना हिडन कॉस्ट हिडन चार्जेस जैसी चीज़ें दिखाना सो so दैट कोई भी जो यूज़र है वो इसके अंदर फंस जाए अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें कि क्या यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं इन डार्क पैटर्न के बारे में तो जी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की अगर हम बात करें सॉरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने बेसिकली नाइन टाइप के डार्क पैटर्न्स को माना है सबसे पहले फॉल्स अर्जेंसी अचानक से दिखा दीजिए कि कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है हो, उसकी अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए दूसरा बास्केट इसकी स्नीकिंग दैट मीन्स अगर आपने सपोज कोई प्रोडक्ट अपनी बास्केट में अपनी शॉपिंग लिस्ट में एड किया है तो आपके कंसेंट के बिना और दूसरे प्रोडक्ट उसमें यूज़ कर दिया जाएगा नेक्स्ट कन्फर्म शेमिंग दैट मीन्स एक तरीके का कंज्यूमर एडीरेंस क्रिएट करना कंज्यूमर अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं ख़रीदना चाहता है तो उसकी बिलीफ या उसकी सर्च हिस्ट्री के हिसाब से उसको वो सारी चीज़ें दिखाना नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगिंग परसिस्टेंट क्रिटिसिजम कंप्लेन एंड रिक्वेस्ट फॉर एक्शन अलॉन्ग विद डैट सब्सक्रिप्शन ट्रैप कि भाई आप फलाना फ़लाना चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपको यू नो सब्सक्रिप्शन लेना होगा अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं कर सकते नेक्स्ट हिडन कॉस्ट डिजगाइज डेड बेट एन स्विच ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी बहुत सारी कंपनी बड़ी बड़ी बिग टैक्टफॉर्म्स लाइक एप्पल अमेजोन स्काई फेसबुक लिंकटन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल इनको भी पहले भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने के लिए वार्निंग जारी की जा चुकी है एंड दिस टाइम वार्निंग हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट दी एविएशन सेक्टर आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में हम बात करेंगे हमारे लैंडर विक्रम के बारे में देखिए चंद्रयान थ्री का जो लैंडर है लैंडर मॉड्यूल है विक्रम इसने यहाँ पर एक इजेक्टा हालो क्रिएट कर दिया है लूनर के सरफेस पे ड्यूरिंग इट्स हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल एक रिसेंट स्टडी यहाँ पर पब्लिश हुई एक जर्नल पब्लिश किया गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग के द्वारा जिन्होंने इस इजेक्टा हालो के हालो को यहाँ पर डिस्कवर किया है सबसे पहले मैं समझना होगा कि आखिर एजेक्टा हालू क्या है फिर हम बाकी की चीजें डिटेल में समझेंगे देखिए एजेक्टा हालू की बात करें तो आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए एक तरीके का इन्होंने एक ब्राइट सर्कल ऑफ लाइट किसी भी चीज के आगे क्रिएट कर दिया है ऑफ एपीरोगोथलिक विच हैपन्स ऑन दी इेगुलर ब्राइट पैच सराउंडिंग लैंडर ओके और एक तरीके का यहाँ पर ये क्रिएशन हमें देखने के लिए मिला है ये जो ओ, ये जो हालों यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये एक बहुत ही हाई रिमोट सेंसिंग कैमरास के थ्रू हमें इसके बारे में पता चल पाया है किस तरीके की एक एक्टिविटी एक यहाँ पर इस तरीके का एक सिस्टम क्रिएट हो गया है आगे अगर हम बात करें तो देखिए ये जो पूरा का पूरा नेशनल रिमोट सेंटिंग सेंसर है और इसरो है इन्होंने एस्टिमेट किया है कि लगभग 2.06 टन का लूर एपिरोगलिक यहाँ पर इजेक्ट हुआ है ड्यूरिंग द लैंडिंग इवेंट अब यहाँ पर आपको एक शब्द समझना होगा कि ये एपीरो गोलिथ मैटर यहाँ पर होता क्या है देखिए रेगोलिथ यहाँ पर समझ लीजिए आपको एपी एपीरेगोलिथ यहाँ पर समझ में आ जाएगा रेगोलिथ एक ब्लैंकेट है अनकंसोलिडेटेड लूज हेट्रोगेनस सुपरफिशियल डिपॉजिट का जो कि किसी भी सॉलिड रॉक के ऊपर यहाँ पर अर्थ मून मार्स ऐसी जगह पर प्रे, प्रेजेंट होते हैं ओके वही एपी रेगोलिथ की बात करें तो ये लूनर रॉक हैं सॉइल्स हैं रेगोलिथ हैं या फिर हम इन्हें सीधे शब्दों में आसान भाषा में बोलूं तो मून में मिलने वाली डस्ट है सो यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है ये जो डिस्कवरी है ये एक तरीके के लूनर मटेरियर पर इस तरीके पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ होने के समय होने वाली घटनाओं का क्या बिहेवियर होता है क्या रिजल्ट होता है उसको यहाँ पर डिफाइन करती हैं ओके okay, जैसे आपको पता है इंडिया यहाँ पर बना था पहली कंट्री वर्ल्ड में जिसने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करी थी मून के साउथ पोल पर जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था इंडी चंद्रयान थ्री मिशन इंडिया इसकी ही अलावा चौथी कंट्री बन गया था आफ्टर यूएस चाइना एंड रशिया जिसने सक्सेसफुली मून के सरफेस पर लैंडिंग की है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे बात करेंगे मिजोरम की जहां पर हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट्स को यहां पर देखा गया है देखिए डिस्पाइट द कंट्री सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ठीक है सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड मिज़ोरम में हाइएस्ट कैंसर के केसेज यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं दैट मीन्स यहाँ पर जो लेटेस्ट एविडियंस है वो एक अट्ठारह साल के बच्चे में से आपको देखने मिला है जिसको स्टमक कैंसर यहाँ पर देखने मिला है अलॉन्ग विद डैट स्टमक कैंसर की जो चांसेज हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे वही कैंसर से रिलेटेड जितनी भी डेथ हैं इसमें मेंस जो हैं जो पुरुष हैं उनकी संख्या आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी अलॉन्ग विद दैट वेमेंस की बात करें तो जहाँ पर मैन में स्टमक हेड नेक लंग ऑस्पिफिगस uh, कॉलोरेट्रा लिवर यूरिनरी नॉन हॉडगिंस लिम्फोफा और प्रोस्टोटा कैंसर आपको देखने मिल रहे हैं वहीं अगर हम विमेंस के केस में यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे सर्वाइकल लंग ब्रेस्ट स्टमक हेड एंड नेक कॉलिक्ट्रल ऑसोफेगस लिवर एंड ओवेरियन कैंसर की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नज़र आएगी ना दो क्वेश्चन कम कि आखिर कैंसर क्या होता है देखिए तो कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिसीज है जैसे यूजअली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है वर्तमान समय में हम बात करें तो सौ से भी ज़्यादा कैंसर के प्रकार हमें देखने मिलते हैं सभी की अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और सभी की अपनी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है ना दो क्वेश्चन कम कि क्या कैंसर जेनेटिक होता है जी हाँ ये जेनेटिक भी हो सकता है लेकिन लाइफ स्टाइल एनवायरमेंटल या दूसरे फैक्टर भी आपको इसके लिए रिस्पांसिबल देखने के लिए मिलेंगे अब देखिए भाई अगर हम ग्लोबल बर्डन के बारे में बात करें या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो हमें एक चीज समझनी होगी कैंसर सेकंड लीडिंग कॉज है वर्ल्ड वाइड में दुनिया में होने वाली मृत्यु का 2018 की अगर हम बात करें तो लगभग 9.6 मिलियन से भी ज्यादा डेथ केवल केवल कैंसर की वजह से हुई थी जिसमें लंग प्रोस्टेट्स कोलेक्ट्रल स्टमक लिवर कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के यहाँ पर पुरुषों में पाए गए हैं वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट कोलेरेक्ट्रल लंग, सर्वाइकल और थायराइड कैंसर सबसे अधिक देखने के लिए मिलेंगे इनके अंदर अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ स्टाइल च्वाइस जैसे स्मोकिंग अनहेल्दी डाइट लाइट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर कैंसर कैंसरोजेनस सब्सटेंसेस से ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव होना दूसरे इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी सी एच पी वी होना जैसी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल देखने के लिए मिलेंगी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया में क्या प्रविलेंस है क्या यहाँ पर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे एन पी सी डी सी एस विच इज़ द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ कैंसर डायबिटीज़ कार्डियोवस्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके अलॉन्ग विद दैट वर्ल्ड लेवल पर फोर्थ फेबररी को एक कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है अलॉन्ग विद दैट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी इसको प्रमोट किया जा रहा है लोगों के अंदर हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए ऑल राइट चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे चलिए बात कर रहे हैं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के बारे में अपार आईडी के बारे में देखिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है स्कूल्स को और पेरेंट्स को कि वो यहाँ पर एक कंसेंट uh, यहाँ पर क्रिएट करें एक नई स्टूडेंट आईडी क्रिएट करने के लिए जिसे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार के नाम से जाना जाएगा ये पूरी दुनिया भर में एक ही आईडी होगी हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल आईडी होगी और इसको जारी करने का काम किया जा रहा है अंडर दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ना दो क्वेश्चन कम कि अगर हमें अपार का मतलब समझ में आ गया है तो आप एक चीज़ और समझ लीजिए ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है सारी स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस द इंडिया जो कि अर्ली चाइल्ड हुड से लेकर आगे तक के लिए काम करेगा दैट मीन्स इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट आई डी हर स्टूडेंट को यहाँ पर एक लाइफ लॉन्ग अपार आईडी जनरेट की जाएगी ताकि उनका जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड है प्रोग्रेस है प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक सभी कुछ एक ही जगह पर आपको देखने के लिए मिले मोर ओवर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये डिजी लॉकर के लिए एक गेटवे है अपार यहाँ पर एक गेटवे की तरह काम करेगा जिसमें आपका जितना भी डिजिटल रेस्पिरेटरी है वो सभी यहाँ पर स्टोर होगा सारे क्रूशल डॉक्यू डॉक्यूमेंट इंक्लूडेग एग्जाम रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और यही आपको डिजी लॉकर में बाय डिफॉल्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाने के लिए भी मदद करेगा नाउ द क्वेश्चन कम कि ये काम कैसे करता है इसका काम करने का तरीका कैसे होगा तो पहली चीज़ याद रखिए हर इंडिविजुअल व्यक्ति को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जिसे अपार आईडी का नाम दिया गया है फॉर एग्जाम्पल इसको हर बच्चे के अकेडमिक बैंक क्रेडिट से ए बी सी से यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा एक डिजिटल रेस्परेटरी यहाँ पर क्रिएट की जाएगी ताकि जिस भी बच्चे ने जितने भी क्रेडिट यहाँ पर अर्न करे थ्रू आउट देयर एकेडमिक जर्नी उनको भी इसके अंदर स्टोर किया जाएगा और आगे अगर हम बात करें तो जब स्टूडेंट्स अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं वेदर विद इन द स्टेट और टू द अनदर स्टेट उनका जो भी डाटा है एकेडमिक बैंक क्रेडिट में उसको बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा नए स्कूल में जस्ट बाय शेयरिंग द अपार आईडी जिसकी वजह से फिजिकल डॉक्यूमेंट को रखना ले जाना और उनके घूमने के जो चांसेज है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे ऑल एंड ऑल अगर हम बात करें तो ये ऑल इंक्लूसिव रेपोजिट्री की तरह यहाँ पर काम करेगा नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या रैश रैशनल हैं बिहाइंड दिस अपार तो देखिए सबसे पहले तो एन 2020 के तहत इसको यहाँ पर जारी करने की बात की जा रही है दूसरा ये कहीं ना कहीं अपार सिस्टम एम्पावर करेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपनी कंट्री का अपने सॉरी अपने स्टेट्स का लिटरेसी रेट ड्रॉप आउट रेट एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट को बहुत आसानी से देख सकें अलॉन्ग विद डेट जो यूजली हमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के जो डुप्लीकेशन होने लगते हैं फ्रॉड्स क्रिएट हो रहे हैं उनको ख़त्म करने का भी ये काम यहाँ पर अपार के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा नाउ दो क्वेश्चन कम कि आपको कैसे यहाँ पर अपार मिल सकता है क्या इसके तरीके होंगे मिलने के तो समझ लीजिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी जहाँ पर स्टूडेंट्स की पूरी बेसिक डिटेल नेम एज डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पर डाली जाएगी इंक्लूडिंग दी आधार नंबर फिर आधार का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा थर्ड यहाँ पर पेरेंट्स का कंसेंट लिया जाएगा इन केस अगर वहाँ पे कोई माइनर बच्चा है और दूसरा अपार आईडी एक वॉलेंटरी कॉन्टेक्स्ट होगा अभी इसको मैंडेटरी करने की बात कहीं से कहीं तक नहीं की जा रही है तो ये तो होगा इसके बेनिफिट्स नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या हमेशा हर चीज़ के बेनिफिट ही हमें देखने मिलेंगे बिल्कुल नहीं देयर आर सर्टेन कंसर्न आल्सो विद दी अपार पहली बात जब हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें उन डिजिटल थ्रेड्स को भी याद रखना है जो आजकल हो रहे हैं ऐसे में डेटा सिक्योरिटी डेटा प्राइवेसी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा हैम्पर यहाँ पर, पर क्रिएट होता है दूसरा डेटा कंट्रोल की बात करें तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक ऑप्शन होगा टू तो सीज शेयरिंग देयर इन्फॉर्मेशन विद दीज एंटिटीज एट एनी गिवन टाइम इसकी वजह से जो डेटा है अगर कोई भी प्रीवियस डेटा है रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आप देखेंगे अनफेक्ट अफेक्टेड uh, होने के चांसेस भी हो जाते हैं सो दिस इज वाई अपार आर आई डी जहाँ पर एक तरीके से बहुत अच्छा भी है उसके कुछ हमें कॉन्स भी देखने के लिए मिलते हैं चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे बात करेंगे पंजाब फार्म्स फायर डाउन बाय हाफ देन लास्ट ईयर बात कर रहे हैं हम सटल बर्निंग की पंजाब में एक नोटेबल डिक्रीज देखने मिला है हमें स्टबल बर्निंग को लेकर पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करेंगे पंद्रह से सत्ताईस अक्टूबर से लेकर इस समय ये जो बर्निंग के केसेस हैं ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे कारण क्या सबसे पहले तो एक्सी टू स्टेबल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का यहाँ पर रिलीज़ होना जिसकी वजह से जो सटल बर्निंग है उसको बर्न करने की जगह उसको फ्यूल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर खरीद लिया जाना दूसरा पंजाब गवर्नमेंट ने देखिए सेंक्शन किया है एडिशनल ट्वेंटी थ्री हंड्रेड न्यू बैलर्स जिनके अंदर बिंक बैलर्स यहाँ पर रखे गए हैं ताकि सटल बर्निंग को यहाँ पर मैनेज किया जा सके चलिए बात करते हैं सटल बर्निंग क्या होती है तो जैसी क्रॉप्स का जो एक रेसिड्यू है जो अपशिष्ट यहाँ पर बचता है उसको यहाँ पर जला दिया जाता है टू द एग्रीकल्चर रेसिड्यू सपोज आपने यहाँ पर क्रॉपिंग करी आपने अपनी फील्ड को यहाँ पर हार्वेस्ट करने की कोशिश करी आपने अपनी क्रॉप्स को हटाया क्रॉप्स के बाद कुछ रेसिड्यू है वो आपकी ज़मीन पर ही लगा रह जाता है ऐसे में क्या किया जाता है उसको जला दिया जाता है सो so दैट जितनी भी एशेज हैं ये वहीं के वहीं आपकी जो सॉइल है उस को ऐसा माना जाता है कि उसकी फर्टिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से एक पहले तो तुरंत ही तुरंत आपको अपनी फील्ड बहुत अच्छे से क्लियर मिल जाती है और नेक्स्ट क्रॉप साइकिल के लिए आपकी जो आ, फील्ड रहती है वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है बट जहाँ पर ये जो क्रॉप रेसिड्यू है इसकी वजह से लगातार एयर पॉल्यूशन बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है क्योंकि इसके परिणाम ऐसा होता है कि जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाईऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर जो हमारी गैस में जो हमारे एनवायरमेंट में इस समय पहुँच जाते हैं कारण क्यों देखिए समझ लीजिए जैसे ही अक्टूबर का मंथ आने लगता है जो एयर है वो ठंडी होकर डेंस हो जाती है ऐसे में इन गैसेस का वहाँ पर ट्रैप होना एक फॉगिश कंडीशन क्रिएट कर देता है रिजल्ट इन टू स्मोक की कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से लगातार हेल्थ रिस्क स्पेशली अगर हम बात करें तो सांस लेने में तकलीफ़ लंग डिसीजेज जैसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं अलॉन्ग विद डेट सटल बर्निंग की वजह से जो सॉइल है उसका एक नेचुरल इकोसिस्टम यहाँ पर बिगड़ता है सॉइल फर्टिलिटी खराब होती है और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है इसी के साथ अगर आप ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे तो इसके बहुत बड़े बड़े ओ, इम्पैक्ट देखने मिले हैं जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ब्रॉन्केटाइटिस क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव प्लमरी डिसीजेस आई इरीटेशन डिस्कम्फर्ट रेडनेस इचीनेस जैसे इशूज़ कार्डियोवस्कुलर डिसीजेस स्किन इरीटेशन और साथ ही लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से लो इम्यूनिटी होना इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में इंडिया कतर एंड नेचुरल गैसेस काफ़ी अच्छा आर्टिकल है बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने के लिए मिलेंगी देखिए यहाँ पर आपको पता है हमने रिसेंटली ही डिस्कस किया था आठ फॉर्मर नेवी पर्सनल्स को यहाँ पर कतर की कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमैटिक चैलेंज दे दिया है इंडिया और अपने रिलेशनशिप को जहाँ पर इन्होंने इनको डेथ सेंटेंस जारी कर दी है जिसकी वजह से जो ट्रेड रिलेशन है इंडिया का जो कि बहुत अच्छे से डिपेंड करता है कतरी लिक्विडफाइड नेचुरल गैसेज एल उसमें एक बहुत बड़ी हमें इम्बैलेंस देखने के लिए मिलेगा चूंकि कल हमने बहुत अच्छे से इंडिया और कतर के रिलेशनशिप्स को समझा था सो so आज हम उस पार्ट को यहाँ पर स्किप करने वाले हैं इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द रिलेशनशिप बायोलेट्रल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कतर सो so आप हमारे कल के वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करें तो एल की वजह से ट्रेड इंबैलेंस आपको देखने मिलेगा कारण क्यों यहाँ पर कतर और इंडिया दोनों ही आपस में एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एल का फिफ्टी परसेंट डिपेंडेंसी है वो आपको कतर पर ही देखने के लिए मिलेगी ऐसे में इंडिया की डिपेंडेंसी नेचुरल गैस पे लगभग पचास प्रतिशत से भी ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं जो गैस के प्राइजेज हैं वो भी बढ़ने के चांसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं हम एल के बारे में लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस क्या होती हैं देखिए एक क्लियर कलरलेस नॉन टॉक्सिक और ऑर्डरलेस लिक्विड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक नेचुरल गैस है जो कि बहुत ही जल्दी कूल uh, cool हो जाती है एट वेरी लो टेम्परेचर लगभग माइनस वन डिग्री सेल्सियस के ऊपर टू कन्वर्ट इन इन द फॉर्म ऑफ अ गैसियस स्टेट इंटू अ लिक्विड स्टेट प्राइमरी अगर हम बात करें तो ये कंपोज होती है मीथेन के द्वारा छोटे छोटे अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे जो कि इम्प्योरिटीज़ को पूरी तरीके से यहाँ पर रिमूव कर देते हैं एल एन लिक्विफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस है जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है जहाँ पर नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम दी अंडरग्राउंड रिजर्व ऑयल इसी को हम एलएनजी लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं इसके बाद इसको पाइपलाइंस के थ्रू अलग अलग फैसिलिटीज़ में ट्रांसफ़र किया जाता है इन फैसिलिटीज़ में जो इतनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव किया जाता है नेचुरल गैस को यहाँ पर कूल cool किया जाता है और फिर इसको कंडेंस करके एल रेफ्रिजरेशन में भेज दिया जाता है इम्पॉर्टेंस की बात करें तो देखिए एल की हाई एनर्जी डेंसिटी देखने मिलती है जिसकी वजह से ये एक एफिशिएंट फ्यूल पावर जनरेशन का रोल प्ले करती है अलोंग विद डैट एक क्लीन एनर्जी का सोल है जिस सोर्स है जिसकी वजह से कोल ऑयल या दूसरे जो ग्रीन हाउस एमिशन है सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो इमिशन है उनको कम करने में भी, भी मदद देखने के लिए मिलती है अलोंग विद डैट वर्सिटैलिटी आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगी पावर जनरेशन की बात करें इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करें हीटिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल फॉर शिप्स ट्रक्स किसी भी चीज़ की बात करें एल एन पर एक मल्टीपल वेराइटी में रोल प्ले करती हुई हमें नजर आएगी चलिए तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में सो so मेंस के लिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डार्क पैटर्न को लेकर और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा अपार आई से रिलेटेड वॉट ऑल यू हैव टू डू आप सभी को पता है यू हैव टू राइट द आंसर क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड